आइए पानी 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 है पानी ए, पानी ए, अरे ए? आ, और पानी मिलेगा प्लीज थोड़ा पानी और दे दीजिए हम ए गोपी थैंक यू दादाजी अबे यार कितना यार तू डायरेक्ट भागा भागा राजस्थान से आ रहा है या जो है तारी जो है म्युनिसिपैलिटी वालों ने वाटर सप्लाई काट दी एक मिनट मैडम एक मिनट मुझे पता है मैडम इंसान को इतनी प्यास तब लगती है जब वो एकदम घबराया हुआ हो क्या हो गया यार तुम्हारी बीवी ने तुम्हें पड़ोसन को शॉपिंग करवाते हुए पकड़ लिया क्या मतलब क्या हुआ यार Well, what is the name is the? रोहिणी में है ट्रैफिक जैम is the? चाकू चतुर्वेदी मार्च के महीने में देखिए मैं खून नहीं करना चाहता हूँ प्लीज मैडम मुझे ये खून करने से बचा लीजिए प्लीज मार्च के महीने में कौन कह रहा है तुम्हें खून करने से किसका खून जरा खुल के बताओ यार देखिए मैडम दरअसल बात यह है कि मैं एक शार्प शूटर हूँ शूटिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ निशाना कितनी भी स्पीड में लगाना हो उसमें मैं माहिर हूँ इसीलिए उन लोगों ने मुझे चुना है मार्च के महीने में क्योंकि मैडम मुझे गोली एक चलती हुई ट्रेन पर किसी आदमी पर चलानी है मैडम Well, चलती ट्रेन की स्पीड में कैसे हो सकता है खून इज द मार्च के बाद आता है अप्रैल फिर मई और जून इज द अबे शार्प शूटर कौन सा आदमी का खून करना है तुझे और वो कौन सा ट्रेन है जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है ट्रेन हाँ वो खामोश एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलती है लखनऊ के लिए नॉन स्टॉप है बीच में कहीं नहीं रुकती मार्च के महीने में अरे हाँ 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 मैडम ये करेक्ट कह रहा है खामोश एक्सप्रेस मुझे पता है मैडम मैडम एक बार मैं दिल्ली में था और मेरी बीवी को अपने मामा के पास लखनऊ जाना था तो इसी ट्रेन से जा रही थी वो खामोश एक्सप्रेस और मैडम मैं स्टेशन पे गया भी था उसे छोड़ने और थोड़ा मुझे लगा कि इसकी मदद कर देता हूँ तो इसके लिए मैं ट्रेन के अंदर जाके उसका सामान वामान ठीक से रख रहा था और अचानक ट्रेन चल गई मैडम और मुझे क्या पता था वो नॉनस्टॉप ट्रेन है मेरी बीवी तो दिल्ली के स्टेशन पे रह गई और मैं लखनऊ पहुंच गया ओह माय गॉड बड़ी ही नॉनस्टॉप है ये ट्रेन इज द गुलगुले तूने क्यों नहीं खींची चेन इज द अरे इस ट्रेन में चेन भी नहीं है मैडम कैसी ट्रेन है चेन भी नहीं है हाँ वो कहीं नहीं रुकती है वो नॉनस्टॉप है सीधे लखनऊ जाके रुकती है और मैडम मुझे बताया गया है कि मुझे ये कत्ल जो है ये गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर करना है क्योंकि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत कम है बहुत वीक है और उसी वक्त उस ट्रेन के कोच नंबर S2 में जो एक पैसेंजर बैठा होगा उसको अर्जेंट कॉल आएगा और वो कॉल सुनने के लिए वो कोच के गेट पे आएगा और उसी वक्त मुझे स्टेशन के आसपास से कहीं से उस पर गोली चलानी है मार्च के महीने में लेकिन भैया तुमने अभी कहा कि तुम्हें गोली नहीं चलानी तो ऐसी कौन सी बात है जिस पे तुम मजबूर हो रहे हो गोली चलाने के लिए यस बम बम मैडम क्या बताऊं उन लोगों ने गोमतीगंज और रेवतीगंज स्टेशन के बीच जो टनल आता है ना उस पर बम लगा दिया मैडम मार्च के महीने में बम कौन पूरी बात बोल जी जी मैडम देखिए उन लोगों ने कहा है कि अगर मैंने इस आदमी पे गोली नहीं चलाई मैडम तो वो लोग वो जो बॉम्ब है रेवतीगंज और गोमतीगंज स्टेशन के बीच टनल में उसे ब्लास्ट कर देंगे मैडम मुझे इसीलिए गोली चलानी पड़ेगी उस आदमी पर मार्च के महीने में प्लीज मैडम क्या करूं मैं ये कब चलानी है गोली तेरे जी आज आज मतलब अभी एक घंटे में हाय हाय एक घंटे वाला कांड तू हमें अब बता रहा है सर जरा ये खामोश एक्सप्रेस की लोकेशन आप पता करिए कहाँ है और इसका एड्रेस लिखवाओ नाम पता जल्दी हेलो रेलवे इंक्वायरी देखिए मेहमान चौकी से चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बोल रहे हैं हमें बताएं कि खामोश एक्सप्रेस का क्या सिचुएशन है क्या लोकेशन क्या है ओके ओके हाँ ओके थैंक यू मिछोड़ाला खामोश एक्सप्रेस 10 मिनट पहले पिछले स्टेशन से निकल चुकी है और गोमतीगंज और वो पिछले स्टेशन की दूरी एक घंटे की है इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है चौड़ाला में किसी भी तरह स्टेशन मास्टर को ढूंढना होगा हाँ
अबे तू पियोन है यहाँ पे? हाँ मैं पियोन हूँ। स्टेशन मास्टर कहाँ है? वो तो पकौड़ी खाने बाहर गए। अरे हजारों लोगों की जान पे बनाया था स्टेशन मास्टर पकौड़ी खाने गया है। मैडम अगर ट्रेन को रोकना है तो हमें सबसे पहले वो कैबिन मैन को ढूंढना होगा। तू एक काम कर गुलगुले, तुरंत जो है ना जितनी तेज हो सके तू भगले और केबिन मैन के पास जा, उसको बोल कि जो है ये खामोश एक्सप्रेस को सिग्नल ना दे, ठीक है? निकल। जी मैडम। गोपी। या टाइम बता। छोटी सुई इसके साथ जा, पियोन के संग स्टेशन मास्टर जहाँ भी पकौड़ी ठूस रहा है ना कान से पकड़ के ला उसे। ओके सुनो भाई, यहाँ गोभी के पकौड़े मिलते हैं। आ यार बबड़ा। कैसे लोग हम लेकर आ गए मछुड़ाला में, किसी भी तरह ना ट्रेन रोकनी होगी मछुड़ाला, क्यों चक्कू तो गोली चलाएगा नहीं, और जब उन्हें पता चल जाएगा चक्कू ने गोली नहीं चलाई तो वो तो ब्लास्ट कर देंगे ना यहाँ। तभी तो सर चक्कू नहीं चाकू सर उसका नाम है, उस चाकू को बोल रहा है कि ये बिल्डिंग के ऊपर ऐसे बैठा रहे गन लेके जैसे गोली चलाने वाला है। एक बार वो केबिन मैन से संपर्क हो जाए, अगर उसने सिग्नल नहीं दिया ना तो ट्रेन 100% रुकेगी सर। केबिन मैन? अरे यार केबिन मैन कहाँ है? केबिन मैन, अरे ट्रेन को रोकना है यार। अरे यार ये ट्रेन तो चली जा रही है, रोको कैबिन मैन। अरे किधर है यार कुबू? ये आया क्यों नहीं है सर अब तक यार गुलगुले? छोड़ो हमें क्या पता, भाग कर तो गया था ना। खर्राटे की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? कैबिन मैन अबे बता क्या हुआ बे? कैबिन 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 मैन कैबिन फूट ले, मन ने गुस्सा ना दिला फूट ले। कैबिन 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 में कोई नहीं है। अबे कोई नहीं है तो ट्रेन कौन रुकवाएगा? कैसे रुकेगी? गोपी कहाँ है? पकौड़े तो कमाल का मिलते हैं जी, आप कभी ना आओ मेरे यहाँ पे, लप्पी लूथरा पकौड़े बना दिया गोपी के, ओए होए फिर दो टकाएंगे शाम को। वाओ एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। वाओ 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 वाओ। क्या हुआ मैडम, पड़ोसन कराटे चैंपियन है? ऐसा है कि तुम्हारे स्टेशन पे वो खामोश एक्सप्रेस आने वाली है और तुम पकौड़े खाने गए हो। अब क्या करें मैडम, खामोश एक्सप्रेस हमारे यहाँ रुकती नहीं, धड़ाधड़ा दे हुए चली जाती है, इसलिए हम भी पकौड़े खाने चले गए। पड़ोसन कराटे चैंपियन है। तुम्हारी पड़ोसन से हमें क्या लेना देना यार, लेकिन आगे पटरी पे बॉम है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप, पड़ोसन कराटे चैंपियन है तो और क्या, पुलिस यहाँ झक मारने के लिए घूम रही है? अबे ऐसा है थारा जो केबिन मैन है मिलना रहा उसे ढूंढो, ट्रेन रुकवानी पड़ेगी आज ही में अभी। तब तो ये ट्रेन रुक भी नहीं सकती, क्या करे क्या करे। हाँ अब तो बस एक ही रास्ता है। अभी क्या रास्ता है, बोलेगा कि साइलेंट खड़ा रहेगा इसे? हमारे स्टेशन से पहले एक पुराना नदी का पुल है, उस पर से जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है, अगर ट्रेन पे चढ़ के ड्राइवर से कह दिया जाए तो ट्रेन रुकवाई जा सकती है। पड़ोसन कराटे चैंपियन है। ये आखिरी रास्ता है, ये रास्ता है तुम्हारा, मतलब चलती ट्रेन में कौन चढ़ेगा और कैसे चढ़ेगा? मैं चढ़ूंगा। मम्मी जी आप इसमें तो जान का खतरा है। हाँ तो इतने लोगों को बचाने के चक्कर में अगर मारी जान चली भी जाए तो ना मिस्टर डाला चली जाते भाई साहब। एक मिनट जरा एड्रेस वेड्रेस बताइए ना कहाँ जाना है। इधर से ऐसे जाए। अच्छा एसएमएस कर देना, एसएमएस कर देना। अच्छा वो पूल कहाँ है, तालाब कहाँ है? आगे 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 आगे। लेकिन मैडम खतरा। अरे ये कहाँ है केबिन मैन? वाओ 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 वाओ। चलो जल्दी बैठिए गाड़ी में सर, हर हालत
में मन्ने वो ट्रेन पकड़नी है, जल्दी चलाइए। चलो बस ये गाड़ी चालू हो जाए बस। अरे सर, अरे आ रही हो सरकारी जीप। रुकिए 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 रुकिए। सर छोड़िए, सर छोड़िए, गिव इट टू मी। क्या सर आप एक जीप जॉन? सर जल्दी। अरे मिस्टर डाला, हम तो पहुंचा देंगे आपको वहां पर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए मिस्टर डाला। सर वहां हजारों लोगों की जान पे बनाई है। सर सर वोरी ट्रेन वोरी। सर रोकिए सर रोकिए। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, थोड़ा पास जाने दीजिए, आप यहां से कहां भागेगी सर? रुकिए सर, बस सर बस सर रोक दीजिए, निकल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, देखिए कुछ होना नहीं चाहिए आपको मिस्टर डाला, हम कहीं के नहीं रहेंगे, संभालिएगा। पकड़ लिया मिछोड़ाला, पकड़ लिया हमने। अरे मैडम जी, क्या बात हो गई? रिश्वत लेते पकड़ी गई हो क्या? जो ट्रेन के नीचे कट के जान देना जा रही हो। बीवी रणबीर कपूर की फैन है। ट्रेन रुकवा, ट्रेन रुकवा। अरे मैडम जी, हमारे के फूफा की ट्रेन है जो तुम्हारे कहने पर रुकवा देंगे। बीवी रणबीर कपूर की फैन है। इंजन ड्राइवर से संपर्क कर, ट्रेन रुकवा। गोपी ये खामोश एक्सप्रेस ही है ना? या रुक रही है गोपी, रुक रही है, रुक रही है, रुक रही है। अबे खामोश एक्सप्रेस है ना? हाँ सर, ये खामोश एक्सप्रेस सर, जाइए सर, जाइए। चलिए चल, अबे चलो साथ में चलो। अबे 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 यही है एस2 कोच वाला। गोपी गुलगुले कवर करो, सेफ जगह पे लेके जाओ। चलो कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। आप घबराइए मत, हम आ गए, वी आर पुलिस। अबे अबे मार डालोगे उसे बे। अबे संभल के गिर गया वो। अबे वो गटर है, गटर। मिश्रा आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वो ट्रेन रुक गई। हाँ अब बॉम्ब बॉम्ब ढूंढना है मिश्रा। हाँ हाँ ट्रेन तो रुक गई, ये क्या? मैडम मैं हूँ कपिल कंफ्यूज, बॉम्ब को करता हूँ डिफ्यूज, लाल तार काटू की हरा। हेलो हेलो मिस्टर कपिल, हेलो हाउ आर यू? आप चलिए बॉम्ब ढूंढते जाके, चलिए चलो 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 जल्दी। अरे जल्दी चलिए भाई साहब, चलिए। ध्यान से देखो, यहीं कहीं होना चाहिए वो बम, इसी ट्रैक पे। अरे यार गोपी, दिख 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 गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया मैडम। ये रहा बम, ये रहा बम, बम बम। ये है बम इसका, फट गया तो मर जाएंगे हम इसका। आ जा। हैं? क्या? चल। ये मेरा पहला केस है। हैं? अरे आ जा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, आ जा आ जा। मैडम ये नहीं, तो मुझे लगा आप लोग घुमाने लाए हो, ये तो बम है। अबे आना यार, हट जाएगा मैडम, हट जाएगा, तभी तो नैने लेके आए। आ गया बे, बुला रही है ना, आ गया। अजय हट जाएगा यार, सच में कभी नहीं काटा है लगता है। और आ गया, और आ गया मैडम, भर जाएगा मैडम। अरे डिफ्यूज करने लाए ना तेने, कर कर करो यार, करो करो करो। नहीं मैडम। डाला हमें नहीं लगता इसने आज तो कुछ किया है। सुन बे, हरा काट हरा।
काटो हरा काटो हरा काटो हरा मैंने कभी सुना नहीं है कितने कलर है यार तू क्यों आया इस प्रोफेशन में यार नहीं और भी तो कई क्षेत्र हैं कुछ और बन जाता क्यों आया बेटा इस प्रोफेशन में क्यों आया बे अरे मैडम ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का तुम काटो यार यही टाइम है ना 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 कुछ नहीं कुछ मत बोल कुछ मत बोल कुछ मत बोल काम कर अपना काम कर प्लीज मैं बताऊंगा मैं मेरे पापा चाहते थे कि ये नौकरी करूं मैं मुझे तो दिवाली के बम से भी डर लगता है उन्होंने बोला इसमें सैलरी ज्यादा है सरकारी नौकरी है मैं फंस गया मैडम अच्छा अच्छा मैं तो नहीं नहीं अरे मैं तो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था हेयर स्टाइल लेकिन मैं ये बम गुड हेयर काट ना भैया काट फट जाएगा यार अरे इसे छुपा दे यार गुलगुले इसको एंटरटेन कर चुप करा इसे अरे मैडम चुप करा मैम ओ ले 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 मेरे मुन्ना ओ ले 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 मंग 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 ले 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 तो देख ले क्या नाच के दिखा नाच के वाव 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 गुड 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 वेरी गुड चल बेटा तार काट अरे काटो यार हरा वाला काट हरा काट रहा हूँ मैं काट ले फट जाएगा यार पहुंच गए सर बच गए हम बच गए मैडम बाम अभी तक आने ये मैडम थोड़ी देर से फटा मैडम फट जाएगा मेरे पास से मैडम फट जाएगा ये यो बम ना है क्या यो एक मामूली घड़ी से चाकू चतुर्वेदी ने हमें बेवकूफ बनाया पिछले 20 सालों से खामोश एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के रूट पे चल रही है लेकिन आज तक कभी भी कहीं भी वो ट्रेन नहीं रुकी लेकिन आप लोगों की बेवकूफी की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तो मत दिखाइए थोड़े दिन अंदर रहिए अबे क्या बोल रहा है तो क्या दिखाऊं नहीं हमारा मतलब है सर हमें नहीं पता था ना कि वो बॉम्ब नहीं है हम तो अपनी ड्यूटी की वजह से चले गए वहां पर हाँ सर हमने वही किया जो ऐसे वक्त में एक जिम्मेदार पुलिस फोर्स को करना चाहिए सर वेल सर ये था हजारों की जान का सवाल इसदा इसलिए करना पड़ा ये बवाल इसदा मैं नहीं मानता इन सब बातों को नहीं मानता मैं एक अनजान आदमी आया उसने कहानी सुनाई उसकी सच्चाई जाने बगैर गाड़ी रुकवा दी हेलो क्या बात कर रहे हो ईमान चौकी में यानी कि हमारी चौकी में बॉम्ब है सर क्या हो गया सर चौकी में बॉम्ब है ना नहीं सर बॉम्ब नहीं है बैठ जाइए सर इसी तरह सर हम भी भगे थे बम सुनकर तब हमें इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल और प्लानिंग समझ में ना आई तब हमें दिखाई दिए मासूम लोग हजारों जाने सर उस समय जो है ना एक्शन लेने का टाइम हो गया सोचने समझने का टाइम ना हो गया बम सुन के पुलिस ने हम सर हम मानते हैं कि चाकू चतुर्वेदी ने हमें बेवकूफ बनाया लेकिन सर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना हमें क्या मालूम था कि बम नहीं निकलेगा मैडम मैं आपका प्लान समझ गया था मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था वाओ 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 बस सोचने वाली बात यो है कि चाकू ने ऐसा किया क्यों ट्रेन रुकवाने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है
Mm-hmm.